नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है पनीर पकोड़ा। देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। 200 ग्राम हमने पनीर लिया हुआ है। देखिए, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, चौकोर टुकड़ों में, और ये इतने मोटे काटे हैं, कम से कम आधा इंच के टुकड़ों में। और एक बड़ा कटोरी हमने बेसन लिया हुआ है घोल बनाने के लिए। एक छोटा कटोरी हमने चावल का आटा लिया है जो बैटर में मिलाएंगे हम। और ये जीरा लिया हुआ है क्रश करके, जो हम पनीर में लगाएंगे मसाला। हल्दी पाउडर है, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, हींग है 2 छोटा चम्मच, चाट मसाला है 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स लिया हुआ है 2 छोटा चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और तलने के लिए ये ऑयल है। शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम पनीर पकौड़े का बैटर तैयार करेंगे। एक बाउल लिया हमने, इसमें बेसन डाल देंगे और चावल का आटा डाल देंगे। चावल के आटे से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। हींग डाल देंगे। नमक डालेंगे लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार। और मिर्च पाउडर डालेंगे। और धनिया पाउडर डालेंगे लगभग 2 छोटा चम्मच। और एक घोल तैयार करेंगे। पानी डालेंगे। गाढ़ा घोल तैयार करेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। पनीर पकोड़ा का बैटर हमने तैयार कर लिया। देखिए, ऐसा गाढ़ा होना चाहिए ये। अच्छा घोल तैयार हुआ है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक कि हम मसाला तैयार करते हैं, जो हम पनीर के स्लाइस पे लगाएंगे। एक छोटी कटोरी लेते हैं, उसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। और जीरा पाउडर डालेंगे क्रश किया हुआ है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया हमारा। पनीर के स्लाइस पे लगाएंगे इसको। एक स्लाइस लेंगे और इस तरह से लगा देंगे। ये से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा पनीर पकौड़ों का। और दूसरी स्लाइस लेके इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह हम सभी स्लाइस पे ये मसाला लगा देंगे। सभी पनीर के स्लाइस पर हमने मसाला लगा दिया हुआ है। और अब इसको तलेंगे। कढ़ाई रख दी हमने गैस पे। ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब ये बैटर जो हमने तैयार किया है पकोड़े के लिए, उसमें हम ये गरम ऑयल डालेंगे, जिससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। लगभग 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। अब हम पकोड़े तलेंगे। अब हम पकोड़ा तलेंगे, ये पीस लेंगे, उसको बैटर पूरी तरफ से लगा लेंगे चारों साइड में। अब हम ऑयल में डाल देंगे। धीमी आंच पे तलेंगे हम इसको। इस तरह से डिप करेंगे बैटर में।
एक साइड से अच्छे से तल चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। बहुत ही अच्छा तल गया है, ये हल्का ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। दोनों साइड से अच्छा हल्का ब्राउन कलर आते तक तल लेंगे। पनीर पकौड़ा बहुत ही अच्छे से तला है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है उसका। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पकौड़े भी तल लेंगे। गर्मा गर्म पनीर पकौड़े तैयार है खाने के लिए, जिसे आप हरी चटनी के साथ, टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, हमने इनके बीच में जो पनीर पकौड़े के बीच में जो मसाला भरा है, जिससे पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि पनीर पकौड़े आपको कैसे लगे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।